हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में कि कैसे हम टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे करें और इंस्टॉल कैसे करें। तो टैली को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम ब्राउज़ करेंगे करेंगे गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे टैली ERP 9 डाउनलोड। टैली ERP 9 डाउनलोड के बाद हम लोग स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा आ रहा है डाउनलोड टैली ERP 9.com, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड लेटेस्ट टैली ERP 9 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हमारा टैली जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कीप कर देंगे इसे। इंस्टॉल होने देंगे। हमने पहले से टैली इंस्टॉल कर रखा है। देखेंगे कैसे टैली डाउनलोड में नहीं, ये टैली जीएसटी हम लोग इसको ओपन करेंगे। यहां से यस प्रेस करेंगे। हमारा एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें टैली इंस्टॉल होगा। सॉरी अभी तक खुला नहीं वो लिंक। चलिए देखिए नीचे में खुल गई। यहाँ से हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। हमारा टैली जो है, पहले से हमने टैली इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पे लिख रहा है रनिंग है। पहले इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। टैली जो है यहाँ से हम लोग टैली को क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, टैली इंस्टॉल हो जाएगा। टैली इंस्टॉल होने के बाद देखिए यहाँ पे टैली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। वेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसे इंस्टॉल होने दीजिए। टैली इंस्टॉल होने के बाद हमारे डेस्कटॉप पे इस तरह से आइकन बन जाएगा। हम लोग डबल क्लिक करेंगे टैली आइकन पे टैली को ओपन करने के लिए। हमारे टैली ओपन हो रही है। वेट कर लेते हैं हम लोग। ये जो स्टार्टअप स्क्रीन है इसको बोला जाता है टैली ERP 9 का स्टार्टअप स्क्रीन, जहां पे हमें लाइसेंसिंग ऑप्शंस मिलते हैं, लॉगिन एज रिमोट tally.net यूजर मिलते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड मिलती है, क्विट मिलती है। तो हम लोग जानते हैं एक्टिवेट योर लाइसेंस। एक्टिवेट योर लाइसेंस कहने का मतलब कि हमने टैली अभी फर्स्ट टाइम खरीदा है और उस टैली को एक्टिवेट करना है, तो हम लोग एक्टिवेट योर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। सेकेंड हमारा आता है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास पहले से टैली है और उस टैली को फिर से रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, दोबारा चालू करना चाहते हैं, तो हम लोग रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। थर्ड हमारा आता है गेट ए रेंटल लाइसेंस। गेट ए रेंटल लाइसेंस कहने का मतलब है कि हम लोग टैली को रेंट पे ले सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ पैसा पे करने होगी रेंट रेंट के लिए, तो उसी को बोला जाता है गेट ए रेंटल लाइसेंस। चौथा आता है कॉन्फिगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। कॉन्फिगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस कहने का मतलब है कि हम लोग टैली को कॉन्फिगर कर सकते हैं, अपने लाइसेंस को कॉन्फिगर
कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यदि उसमें कुछ परेशानी आ गई है, कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, तो हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लाइसेंस को। फिर उसके बाद आता है लॉगिन एज रिमोट टेली डॉट नॉट यूजर। कहने का मतलब है लॉगिन एज रिमोट टेली डॉट नॉट यूजर, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे रिमोट एक्सेस कैपेबिलिटीज, जिसमें हमने जाना था कि हम कहीं से भी बैठे बैठे अपने कंपनी का जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारा जो काम है औरंगाबाद में हो रहा है और हम पटना से बैठे बैठे देखना चाहते हैं कि हमारे औरंगाबाद ब्रांच में क्या क्या काम हो रही है, तो हम उसको टैली में देख सकते हैं। वो किसके माध्यम से देख सकते हैं, हम लोग लॉग इन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूजर के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें हमारा एक टैली डॉट नेट आईडी होती है, पासवर्ड होती है, जो कंपनी को कनेक्ट करती है। फोर्थ हम लोग आते हैं, थर्ड हम लोग आते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड। कहने का मतलब है कि हम लोग एजुकेशनल मोड को क्यों चूज करते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ लिख रही है, हम लोग देखते हैं। द एजुकेशनल मोड अलाउज यू टू लर्न एंड यूज टैली आरपी 9 विदाउट बाइंग ए लाइसेंस। कहने का मतलब है कि यदि हमें टैली पे काम करना है, हमें टैली पे अपने कंपनी का डेटा रखना है, कंपनी का डेटा करना है, तो हमें टैली को परचेज करना होता है। पर यदि हमारा टैली आरपी 9 लाइसेंसी नहीं है, पर हमें कंपनी एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है एजुकेशनल मोड में पढ़ने के लिए, हम लोग एजुकेशनल मोड में हम लोग टैली को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कैसे काम होती है। ठीक है, आगे आ रही है यू कैन वर्क ऑन ए डेटा ऑन ए कंप्यूटर विद सम रिस्ट्रिक्शन। कहने का मतलब है कि हम लोग एजुकेशनल मोड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं काम की। ठीक है, जैसे कि हम लोग उसमें टैली डॉट नेट का यूज नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बैंक रिकॉन्सिलेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड आती है हम लोग डेट जो डालते हैं उसमें डेट हम लोग 1, 2 और 31 ही डाल सकते हैं, इसके अलावा कोई डेट नहीं डाल सकते। मीन्स कहने का मतलब एजुकेशनल मोड पढ़ने के लिए होता है, न कि कंपनी में यूज करने के लिए होता है। यदि हम अपने कंपनी के लिए यूज करना है तो हमें टेली को परचेज करनी होगी। तो हम लोग आते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में, इंटरप्रेस करते हैं। इंटरप्रेस करने के बाद हमारा कंपनी इन्फो पैनल खुलता है। कंपनी इन्फो पैनल में हमारा फर्स्ट आ रहा है सेलेक्ट कंपनी, सेकेंड आ रहा है लॉग इन एज रिमोट यूजर, थर्ड आ रहा है क्रिएट कंपनी, फोर्थ हमारा है बैकअप, फिफ्थ है हमारा रीस्टोर, एट लास्ट है क्विट। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे किसका क्या काम है। सबसे पहले हम लोग क्रिएट कंपनी पे जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा टैली में कंपनी बनता है, कोई भी चीज हम क्रिएट करते हैं कंपनी के नाम से, तो इंटर मारते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में हमारा आ रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कहने का मतलब है कि हमारा जो कंपनी का जो डेटा हम सेव कर रहे हैं या जो कंपनी बना रहे हैं वो कहाँ पे सेव हो। तो हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इंटर मार के आगे बढ़ते हैं। नेम आ रहा है, नेम में हम लोग नेम को डाल देंगे, एड्रेस में हम लोग एड्रेस डाल देंगे, कंट्री इंडिया रहेगा, स्टेट हम लोग बिहार डाल देंगे, पिन कोड हम लोग डाल देंगे जो हमारा पिन कोड होगा, फोन नंबर पता है तो डालेंगे, नहीं तो इंटर मार के आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ईमेल डालेंगे हमारा जो ईमेल होगा, वेबसाइट है तो डालेंगे, अदरवाइज इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं हम लोग जान लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब होता है कि हमारा जो कोई भी कंपनी का जो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को एंडिंग होती है, इसी को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं फाइनेंशियल ईयर किसे कहा जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर उसे कहा जाता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और 31 मार्च को एंड हो जाए, उसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है बुक बिगनिंग फ्रॉम। कहने का मतलब है कि हमारा कंपनी तो बन गया 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2021 को, पर कंपनी का जो काम है कब से स्टार्ट हुआ है ये यहाँ पे डलाता है। ठीक है, अब हमारे आती है सिक्योरिटी कंट्रोल में टैली वोल्ट पासवर्ड, ये अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ये सिक्योरिटी कंट्रोल इसको नहीं छोड़ देते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि
सिक्योरिटी कंट्रोल का क्या यूज है, कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग एंटर मार के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करेंसी सिंबल है, रुपीज रहेगी इधर। ठीक है, एंटर मार के हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे, हमारे नाम से एक कंपनी दिखने लगेगी। ठीक है, देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में हमारा कंपनी दिखने लगा शर्मा कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्किन इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। ठीक है, स्किन इंट्रोडक्शन ऑफ टैली में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्टिकल बटन बार पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बटन पे क्या होता है, ये का नेम ऑफ कंपनी क्या है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें, वहां पे हमें हम उनको गाइड कर देंगे जो भी दिक्कत होगा। ठीक है, थैंक, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।